बंधुओं, आज हम लोग थोड़ा गुरु तत्व पर थोड़ा विचार करें। पूरे संसार में एक गुरुडम सिस्टम फैला हुआ है। ऐसे अनेकों गुरु हैं जो बड़े बड़े आश्रम खोलकर बैठे हुए हैं और शिष्यों का शोषण कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बिल्डिंग एम्पायर खड़ा करते जा रहे हैं। उसमें अवश्य ही कुछ ऐसे सच्चे व्यक्ति भी हैं जो लोगों का भला चाहते हैं, करुणावश लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर ये देखने में आ रहा है कि मानव का शोषण गुरुडम सिस्टम के माध्यम से बहुत अधिक हो रहा है। ऐसे बहुत से गुरु अभी जेल में भी पड़े हुए हैं, आप सब लोगों को मालूम है, किसी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम ये समझें कि वास्तविक गुरु क्या है, गुरु विद इन इंटरनल एंड गुरु एक्सटर्नल बाहरी गुरु। जिस बाहरी व्यक्ति को हम अपना गुरु समझते हैं, उस पर आप विचार करें, क्या उसका शरीर जिसके माध्यम से, जिसके मुखारबिंदु से हमें ज्ञान का प्रसारण होता है, जिस शरीर को के सामने हम नतमस्तक होते हैं, शरीर के पैर छूते हैं, शरीर के गले में माला डालते हैं, क्या वो गुरु है, या उस शरीर के अंदर चैतन्य स्थित, चैतन्य जो सर्वव्यापक चैतन्य है वो गुरु है। इस पर थोड़ा सा विचार करें, इनर मैन जो अंदर है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, ये समझते हैं कि शरीर नहीं बल्कि शरीर के अंदर स्थित चैतन्य ही गुरु है, तो वह चैतन्य तो सर्वव्यापक है, वो सर्वत्र व्याप्त है, हमारे अंदर भी वो स्थित है, मेरे आपके हम सब के अंदर वो स्थित है, वो सब वही है। तो यदि हमारे अंदर भी वो चेतन स्थित है, फिर हम बाहरी गुरु की तलाश में क्यों जाते हैं, ये एक बड़ा भारी प्रश्न है। बाहर हम इसलिए जाते हैं कि हम बहिर्मुखी हैं और हमें अंतर्मुखी होने की या अंतर्मुखी होने का अभ्यास नहीं है, हम अंतर्मुखी नहीं हो पाते, और अपनी अंतः प्रेरणा, अपनी आत्मा की आवाज़ जो विस्परिंग ऑफ द सोल हो रही है, उसको हम नहीं सुन पाते। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और विडम्बना की बात है। इसलिए हम बहिर्मुख हुए, बाहर के लोगों में गुरु तत्व को तलाश करते हैं और ज्ञान पाना चाहते हैं। यदि दूसरा व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति सच्चा गुरु है, सच्चा जीवन मुक्त महात्मा है, जो जिसकी चेतना अंतर स्थित चेतना, उस सर्वव्यापक चेतना, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एक अमेक हो गई है, जिसकी व्यक्तिगत चेतना समष्टि चेतना के साथ एक है, ऐसा सच्चा गुरु यदि हमें मिल जाए। ऐसे गुरु हैं, महात्मा लोग हिमालय पर रहते हैं, संभाला में श्वेत ऋषि संघ का हेडक्वार्टर है, इनर गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहते हैं, वहाँ भी बहुत से ऐसे जीवन मुक्त महात्मा हैं जिन्होंने उस सर्वत्र व्याप्त चैतन्य के साथ एकत्व स्थापित कर लिया है, वो पूर्ण रूप से हमें गाइड कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चे गुरु हैं वो ये चाहते हैं कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट ना हों, उनके ऊपर आश्रित ना रहें, बल्कि जो ज्ञान विज्ञान उनके माध्यम से उस परम चैतन्य का आ रहा है, वो परम चैतन्य हमारे अपने हृदय में स्थित है, हम उसके साथ कनेक्शन जोड़ पाएँ और इंडिपेंडेंट होकर, किसी पर आश्रित ना होकर, वो ज्ञान प्रज्ञान जो हमारे अंदर है हम उसको प्राप्त कर सकें, ऐसी उनकी चेष्टा है। लेकिन जो नकली गुरु हैं, जो उस परम सत्ता के साथ एकमेक नहीं है, अभी अल्पज्ञ हैं लेकिन सर्वज्ञ और संपूर्ण पूर्ण होने का दावा करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हम स्वतंत्र रूप से कार्य करें, हम उनके ऊपर आश्रित ना रहें, बल्कि वो तो उनकी कोशिश ये होती है, वो तो ये कहते हैं कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप
मेरे को समर्पण भाव में आ जाओ, मैं ही सारा कुछ आपका कर दूंगा। तो ये हमको थोड़ा सा अंतर समझना है कि जो सच्चे महात्मा और जो नकली महात्मा है। और जो सच्चे महात्मा है वो हमेशा ये हमें इशारा कर रहे हैं, ये सजेशन दे रहे हैं कि तुम किसी के चक्कर में ना रहो। वो तो अपने लिए भी कह दे कि तुम मेरे को भी गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपका गुरु नहीं हूँ, हम और आप भाई हैं। हो सकता है कि कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, लेकिन हम सब उसी परम सत्ता परम चैतन्य के अंश हैं, उसी से प्रेरणा ले रहे हैं। तो जिससे हमने प्रेरणा ली है आप भी उसी से प्रेरणा लें, और वो चैतन्य आपके अपने हृदय में स्थित है। इसलिए उन जीवन मुक्त महात्माओं का ये प्रयास है कि वो हमें इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, वो हमारे जो अंदर चैतन्य स्थित आत्मा हमारे हृदय में है उसके साथ हमारा कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। वही सच्चा गुरु है, गुरु विद इन, द रियल टीचर विद इन। यदि हमारा उसके साथ संपर्क हो जाए, हम उसके साथ एकमेक हो जाएं, तो फिर बाहरी एक्सटर्नल गुरु के प्रति हमें आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, हम उस पर डिपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञान विज्ञान हम उनसे लेना चाहते हैं वो हमारे अपने अंदर है। तो इस बात पर थोड़ा सा मनन करें, द टीचर इंटरनल, द टीचर एक्सटर्नल, द गुरु विद इन एंड गुरु आउटसाइड। जो आउटसाइड गुरु है उसमें खतरा है, उसमें एक डेंजर है कि यदि बाहरी व्यक्ति जिसको हम गुरु समझ रहे हैं, यदि वो पूर्ण नहीं है, परफेक्शन की स्थिति में नहीं है, जीवन मुक्त महात्मा की स्थिति में नहीं है, तो वहाँ हम फंस सकते हैं, हमारा अमंगल हो सकता है, हमारा शोषण हो सकता है। इसलिए ठीक राह पर चलने के लिए ये आवश्यक है कि हम बाहरी गुरु पर आश्रित होने के बजाय जो इंटरनल गुरु, जो अंदर आत्मा के रूप में हमारे हृदय में स्थित है, उसका सहारा लें। वहाँ से बराबर विस्परिंग हो रही है, विस्परिंग ऑफ द सोल, बराबर वहाँ से मौन भाषा में इंट्यूटिव फ्लैशेस के रूप में ज्ञान प्रज्ञान का उदय वहाँ से होता है। उसके साथ हम कनेक्शन जोड़ें, ध्यान में जाएं, और ध्यान की स्थिति में हम जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारी अज्ञानता है, जो भी हम कुछ जानना चाहते हैं, उस सारा का सारा ज्ञान का भंडार वो सब कुछ वहाँ है। हमारा जो असली आत्मस्वरूप है वो पूर्ण है, उसके साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ें। अब जब ये कहते हैं कि हम जोड़ें और उसके साथ जोड़ें, तो ये इसको भी थोड़ा समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर और मन के तल पर एक चेतना जो काम कर रही है उसमें एक मैं की भावना है, मैं अलग हूँ, मैं और मेरा, मैं बंधन में मुक्त हूँ, बंधन में फंसी हुई हूँ, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये मेरी कामना है, मुझे ये फल की प्राप्ति चाहिए, तो उसमें वो फंसी हुई है। तो वो जो छोटे तल पर मन और शरीर के तल पर जो मैं है, जो इल्यूजरी सेल्फ है, जिसमें सेंस ऑफ सेपरेशन अलगाव की भावना है, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें प्रयास करना है कि हम इस छोटे मैं से मुक्त हो जाएं। ये जो छोटा मैं है, लोअर सेल्फ, यही शिष्य है, यही मुक्त होना चाहता है। तो आत्मा और मन के, शरीर और मन के तल पर हम खुद ही शिष्य हैं, और आत्मा के तल पर हम स्वयं ही गुरु हैं। तो ये जो छोटे तल पर जो हमारा चेतना कार्य कर रही है, जिसमें मैं और मेरे की भावना है, ये अपने जो अंतर स्थित चेतन्य व आत्मा के रूप में जो ज्ञान विज्ञान का भंडार है, जो हमारा गुरु स्वरूप है, उससे हम प्रेरणा लें, उससे हम ज्ञान लें, उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ें, तो ये बड़ा आवश्यक है। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, इस पर आप थोड़ा मनन करें। मैं ऐसा कह रहा हूँ ये मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इसको विचार करें। यदि अभी भी आप किसी शरीरधारी के शरीर को ही गुरु मान के बैठे हुए हैं, तो आप बड़ी भारी भूल में हैं, आपको इसका बड़ा भारी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप जो वास्तविक चैतन्य है, जो गुरु जो उसके अंदर भी है और जो हमारे अंदर भी है, उस वास्तविक चैतन्य परम सत्य परमात्मा के साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ें, जो सच्चा गुरु है। सचमुच देखा जाए तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, बुद्धा कॉन्शियसनेस और क्राइस्ट कॉन्शियसनेस और हमारी अपनी कॉन्शियसनेस, या ऐसे व्यक्ति जिसको हम गुरु मानते हैं उसकी कॉन्शियसनेस, वो सब एक ही है, चेतना तो एक ही है, वही भिन्न भिन्न रूपों में अलग अलग प्रकट हो रही है। प्रॉब्लम यह है कि यदि दूसरा व्यक्ति जिसको हम गुरु मान के बैठ गए हैं, यदि वो पूर्ण नहीं है, परफेक्ट नहीं है, उसकी अपनी चेतना इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, उसकी अपनी व्यक्तिगत चेतना समष्टि चेतना यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ एकमेक नहीं हो गई है,
वो अपूर्णता से पूर्ण परफेक्शन और जीवन मुक्ति की स्थिति में नहीं है तो हमें वो मिसगाइड कर सकते हैं। इसलिए अच्छा यही है कि जो हमारे अंदर स्थित चैतन्य है, जो वास्तविक गुरु है, उसकी हम शरण में जाएं और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी हमारी अज्ञानता है, उसको उस ज्ञान प्रज्ञान को जानने के लिए हम अपने अंतर्मुखी हों और उसका सहारा लें। कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी, इस पर थोड़ा मनन करें और उस पर विचार करें और जो वास्तविक गुरु, जो इंटरनल गुरु हमारे अंदर बैठा है, उसके साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ें। दो मिनट थोड़ा शांत रहें, उसकी एक झलक आप पाएं जो अंदर चैतन्य है आत्मा के रूप में। क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो हमको यही इशारा किया ना कि अर्जुन हृदय स्थिति, मैं तुम्हारे के हृदय में बैठा हूँ। तो जो कृष्ण जो बंसी बजा रहे हैं, जो मुकुट बांध रहे हैं, वो शरीर अंदर नहीं बैठा। शरीर तो नश्वर है, वो तो अवस्था परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उस शरीर के अंदर जो चेतन है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो सर्वत्र व्याप्त है, वो हमारे अंदर भी व्याप्त है, वो हमारे अंदर बैठा है। तो उस कृष्ण से, उस बुद्ध से, उस क्राइस्ट से, उन महात्माओं से जो हिमालय पर रहते हैं, सनत कुमार अलग दूसरे महात्मा हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करने के लिए हम अपने हृदय में डुबकी लगाएं और हृदय केंद्र में जो हमारे समष्टिगत चेतना फोकस के रूप में, केंद्र के रूप में स्थित है, उसके साथ अपना कनेक्शन जोड़ें और वहाँ से प्रेरणा, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान लें। Oh.